हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और ट्रेंडिंग रील आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह की रील जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो आप लोग भी जो अपनी इस तरह की इंस्टाग्राम की रील बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की रील जो इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने ज़रूर से देखी होंगी, क्योंकि अभी जो है इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह रील बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है VN। तो आप लोग क्या करना है, VN ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर वहाँ से नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, ओपन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने जो अपनी VN ऐप को ओपन कर लिया है, तो ओपन करते आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आप लोग एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट में एक वीडियो ऐड करनी है आप लोगों को अपनी एक सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट में एक वीडियो ऐड करनी है आप लोगों को। तो मैं बता देता हूँ, मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद हमें वीडियो जो है फ़ोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और फ़ोटो वाले ऑप्शन पे चले जाने के बाद जो हमें अपनी जो है 16 फ़ोटो ऐड करनी है। ठीक है, तो 16 फ़ोटो आप लोगों को अपनी ऐड कर लेनी है। तो मैं फटाफट से जो है 16 फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। उसके बाद हमें, मैं पूरा मटेरियल बताऊं तो आप लोग क्या करना है, 16 तो फ़ोटो ऐड करनी है और दो वीडियो। ठीक है, एक फर्स्ट में आएगी वीडियो, एक लास्ट में। तो ये करना है बस। ठीक है, तो 16 फ़ोटो हो गई है मेरी। अब फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ मैं। और आप लोग क्या करना है, अपनी एक और वीडियो ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो मैं एक और पहले 16 फ़ोटो कर लेता हूँ पूरी। तो फ़ोटो जाने के बाद हमें क्या करना है, अपनी वीडियो ऐड करनी है। तो मैं एक और वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। तो अपनी लास्ट में एक और वीडियो ऐड कर लेता हूँ मैं। तो वीडियो ऐड हो जाने के बाद देखिए हमें क्या करना है। तो ये वीडियो हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमें नीचे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ब्लू कलर के, और उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करके उसके बाद देखिए हमारी थोड़ी प्रोसेस होगी और वीडियो ऐड होकर के आ जाएंगी फ़ोटो और वीडियो। ठीक है, उसके बाद हमें ऊपर ओरिजिनल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। और उसके बाद नीचे, इसके नीचे यहाँ पर 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों। ठीक है, और उसके बाद हमें वीडियो के जरिए बिल्कुल लास्ट में चले जाना है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्या करना है, इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो इसमें जो है ऑडियो है इन वीडियो में, तो इनकी ऑडियो म्यूट करनी है आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑडियो म्यूट वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इस पर सिंपली टैप करना है। तो जितनी वीडियो ऑडियो होगी वीडियो में, तो सारी वीडियो की म्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें म्यूजिक ऐड करना है, तो टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों को। और म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ऊपर आप लोगों को एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो प्लस के आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप लोगों को एक रील का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग क्या करना है, उस रील को डाउनलोड कर लेना है। उस रील को डाउनलोड करने के बाद आप लोग सामने क्या करना है, उसको रील पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगी, उस पर आप लोगों को रील पे टैप करना है सिंपली। ठीक है, तो मैं इस रील पर टैप करता हूँ, तो इस तरह इंटरफेस आएगा। देखिए, तो सिंपली आप लोगों को ओके वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आप लोगों को। और उसके बाद ऑडियो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी ऑडियो ऐड होकर के आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी नॉइस आ रही हो वॉइस में, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सॉन्ग पे क्लिक करना है, बीट्स वाले ऑप्शन पे जाना है। और फर्स्ट बीट मार्क जो है हमारा 1.76 सेकंड पे है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड बीट मार्क है 3.28 सेकंड पे, और थर्ड वाला बीट मार्क जो है 4.75 सेकंड पे है, और उसके बाद फोर नंबर वाला जो बीट मार्क है ये 5.88 सेकंड पे, और उसके बाद फाइव नंबर वाला बीट मार्क है 6.30 सेकंड, और उसके बाद जो है सिक्स नंबर वाला बीट मार्क है 6.53 सेकंड। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर वाला बीट मार्क 6.80 सेकंड, उसके बाद एट नंबर वाला बीट मार्क जो है ये 7.06 सेकंड, उसके बाद नाइन नंबर वाला बीट मार्क है 7.34 सेकंड, उसके बाद टेन नंबर वाला बीट मार्क है 7.61 सेकंड, और उसके बाद इलेवन नंबर वाला बीट मार्क है 8.15 सेकंड, और उसके बाद ट्वेल्व नंबर वाला है 8.40 सेकेंड, और उसके बाद 13 नंबर वाला 8.59 सेकेंड, उसके बाद 14वां जो बीट मार्क है 8.79 सेकेंड पे, उसके बाद 15वां बीट मार्क है 9.08 सेकेंड पे,
और उसके बाद जो 16वां बीट मार्क है ये हमारा 9.35 सेकेंड, और उसके बाद 17वां बीट मार्क है 9.60 सेकेंड, और उसके बाद 18वां जो बीट मार्क है ये हमारा 9.85 सेकेंड, और उसके बाद ये 19 वाला बीट मार्क है 10.12 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद दो बीट मार्क और बाकी हैं, तो 20वां बीट मार्क है 14.75 सेकेंड, और 21वां बीट मार्क है 15 पॉइंट, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारे बीट मार्क भी लग चुके हैं, उसके बाद डन कर देना आप लोग, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है। तो सिंपली आप लोगों को फर्स्ट बीट मार्क पर क्लिक करना है, नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेकेंड बीट मार्क, फिर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड बीट मार्क अलग हमें कट करना है, ठीक है, इस वीडियो को जो हमने वीडियो ली थी फर्स्ट में। थर्ड बीट मार्क के कट कर देने के बाद जितने भी आपकी वीडियो बची उस वीडियो का आप लोगों को डिलीट कर देना है, ठीक। तो ये वाली जो हमारी वीडियो बच गई है फालतू है, तो इसे डिलीट कर देना आप लोगों, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो ये तो लग चुके हैं हमारे 5.88 सेकेंड तक हमें वीडियो रखनी है, ठीक है। आप लोग समझ आ चुका थ्री बीट मार्क तक। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो देखिए, जैसे हम आगे के बीट मार्क पर क्लिक करेंगे सबटिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो अभी हमें क्या करना है, फ़ोटो पर क्लिक करें दो बार और इसे ऐसे छोटे कर लेना है सभी फ़ोटो को इस तरह से, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को छोटा करना है। बीट मार्क पे आकर के अपने आप रुक जाती है फ़ोटो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होगा काम आप लोगों के लिए, बीट मार्क तो आ नहीं रहा क्योंकि लेंथ जो है फ़ोटो की थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है, ठीक। तो आप लोग क्या करना है, सभी फ़ोटो इसी तरह से छोटी कर लेनी है। मैं फटाफट से इन छोटी कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। और देखिए ये लगभग छोटी हो ही चुकी हैं, थोड़ी बहुत ही बाकी हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को देखिए इसी तरह से करना है सभी फ़ोटो को। तो ये हो चुके हैं, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये हो गई है फ़ोटो, उसके बाद लास्ट में ये वीडियो बाकी है। तो लास्ट में जो दो बीट मार्क थे ना 20वां और 21वां, तो ये वीडियो में आएंगे, तो इस वीडियो को दो बीट मार्क से एक कट कर देना है इन्हें, ठीक है। तो देखिए कट हो चुकी है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है इसमें। तो जो फर्स्ट वाली वीडियो है इसमें देखिए हमें क्या करना है, तो इसका जो ये प्लस का आइकन है ना, ये सेकेंड वाला, तो इस फर्स्ट बीट मार्क वाला जो ये प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वाइट वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद जो है इससे अगले जो बीट हुआ होगा प्लस का आइकन होगा उससे अगले बीट मार्क पे, तो उस पर क्लिक करना है हमें। और इसमें हमें देखिए ओरिजेंटल और वर्टिकल में से एक सिलेक्ट करना है, तो वर्टिकल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट बीट मार्क पे ओरिजेंटल वाला, ठीक। तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे, ठीक है, तीनों बीट मार्क पे लग चुके हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो इसमें जो है हमें आप लोगों को एक, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें इन फ़ोटो में एफएक्स लगा देने हैं, ठीक है। तो सिंपली इस फ़ोटो पे क्लिक करना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट की तरफ ले आना है और यहाँ पर लगा देना है हमें जिटर वाला एफएक्स, ये वाला, ठीक है। और नीचे अप्लाई टू ऑल का आप लोगों को बटन दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक करेंगे सभी में लग जाएगा, ठीक है। तो ये लग चुका है सभी में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो अभी हमें क्या करना है, तो ऊपर जो स्क्रीन शॉट लगे होते हैं ना इंस्टाग्राम की आईडी के, आप लोगों को वो लगाने हैं, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को कैसे लगाने हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ऊपर की तरफ इंस्टाग्राम के जो स्क्रीन शॉट होते हैं ना वो वाले लगा देने हैं। तो पहले इसमें फ़ोटो हो जो वीडियो थी लास्ट में उनके प्लस के आइकन पर क्लिक करके कोई सा भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर तो टैप टू ऐड स्टिकर वाला ऑप्शन है ना ये वीडियो के ऊपर, तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए आप, यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो एंड फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो अब अभी आप लोग क्या करना है, अपनी एक इंस्टाग्राम की जो ओल्ड आईडी है ना उसका स्क्रीनशॉट रख लेना है। अगर आप लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप लोग क्या करना है, अपनी जो एक और इंस्टाग्राम की आईडी बनानी है सेम नेम से, और जो अभी उसके करंट फॉलोवर होंगे थोड़े होंगे तो उसे उसका जो है वह स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करना है, इसे फर्स्ट में नहीं थोड़ी सी आगे करके लगाना है, ठीक है। थोड़ी सी कहीं पर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लग चुका है, देखिए ऐड हो चुका है। तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए यहाँ तक है, तो इसे पहले तो हमें जहाँ तक हमारी वीडियो है फर्स्ट वाली यहाँ तक रख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक है हमारी वीडियो, तो मैं इसे इसकी लेंथ को बड़ा कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद बता दूँ क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ तक कर लेना है 5.88 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसमें स्क्रीन शॉट पर क्लिक करना है दोबारा से जो हमने ये फ़ोटो ऐड की थी, और लास्ट में चले जाना है, और लास्ट में आप लोगों को एक मास्क वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक लाइनर वाला ये फर्स्ट में मास्क को है, इस पर क्लिक करना है, ये नीचे की तरफ आएगा, एक और बार क्लिक कर देना है ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये जो एरो वाले ऑप्शन है ये नीचे की तरफ आप लोगों को ऐसे करना है, और जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसे आप लोग अपनी अच्छी तरह से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इससे अच्छी तरह दिखे। देखिए तो मैंने कर दिया है, आप लोग अच्छे से समझो आ चुका कैसे करना है। देखिए तो ये देखिए हमारी इतनी बनकर तैयार हो चुकी है रील। उसके बाद यही हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमारी वीडियो है उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी हमें स्क्रीनशॉट ऐड करना है। तो इसके यहाँ पर इस बीट मार्क पे क्लिक करना है, सॉरी टैप टैड स्टिकर वाले ऑप्शन पे और वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है, वीडियो एंड फोटो पे, और जो करंट आईडी की जो स्क्रीन शॉट है उसे लेना है। और देखिए मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर हमें 3.4 या फिर 4.3 वाला ये सिलेक्ट कर लेना है रेशो, ठीक है। शायद यहाँ से इस आईडी को इस तरह से रख लेना है और यहाँ से देखिए, और उसके बाद यहाँ से नीचे डन का ऑप्शन है, इसे डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे भी इसी तरह से ऊपर की तरफ लाना है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे, यहाँ से लगाना है और इसे भी हमें सेम करना है बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट में किया था ना। मास्क वाले ऑप्शन पे जाना है, लाइनर वाले पे क्लिक करना है, एक बार नहीं एक और बार क्लिक करना है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये लाइन वाला थोड़ा नीचे ले आना है और ये एरो वाले को नीचे की तरफ कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी रील। तो इतना कर देने के बाद देखिए हमें, देखिए हमारी लगभग हमारी जो रील बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बस एक काम बाकी है हमारा इसमें। तो इसे इसकी लेंथ को लास्ट तक कर देना है, और अभी जो हमने एडिटर वाला इफेक्ट्स लगाया था ना, ये सभी में लग चुका था, देखिए सभी में लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करना है, इसमें से हटा देना है, इतने पार्ट में लगा हुआ है ना, तो आप लोगों को इन पार्ट्स में से हटा देना है। तो फर्स्ट वाले में तो रहने देना है, सेकेंड वाला पार्ट होगा एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट में वाला या नॉन वाला ऑप्शन है तो इसे यहाँ से हटा देना है, ठीक है। फिर इससे अगले पार्ट पे क्लिक करना है और इसे भी इस तरह से यहाँ से हटा देना है, ठीक है। फिर इससे अगले पार्ट पे क्लिक करना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और इसे भी यहाँ से हटा देना है। उसके बाद तो हमारी देखी रील बनकर तैयार हो चुकी है, आप लोग इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखी होगी वैसी ही हमारी रील बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो